बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। वीक 10 डे 2 है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे डे 1 एंड डे 2 बोथ डेज बिकॉज ऑफ योर ईद वेकेशन। एंड सब्जेक्ट इज साइंस यूनिट 3 द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स सराउंडिंग्स, प्रिपेयर्ड बाय मिस फरजाना फैसल। यस, our today's topic is the chapter the unit is the world of the living, and the chapter is the living world and its surrounding, and subtopic is weather. Weather means the day to day change in temperature and then air pressure and moisturizer, wind, cloudiness, rainfall एंड सनशाइन। इन सब चीज़ों में जो चेंज होता है दैट इज़ वेदर। सच चेंजेस अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोसफियर एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस टू अनदर। मीन्स जब विंड चेंज होती है, एयर चेंज होती है एटमोसफियर में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और हीट ट्रांसफ़र होती है, मॉइस्चर ट्रांसफ़र होता है, तो वेदर चेंज होता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। द वेदर ऑफ एन एरिया कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड इट कैन हैपन दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली इट बिकम्स क्लाउडी एंड स्टार्ट रेनिंग। ये जो वेदर है इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें वेरी शॉर्ट टाइम में, जिस तरह सुबह अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो दोपहर में एकदम से क्लाउडी हो जाता है, बट सडनली इट बिकम्स क्लाउडी एंड स्टार्ट रेनिंग। यू माइट हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। समटाइम नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता क्योंकि फ़ौरन से ही जो है वेदर वो चेंज हो जाता है। Then next is climate. Climate is the weather condition in an area over a long period of time. अब जो long period of time जो climate होता है किसी भी area का, उसे climate कहते हैं। It tell us what is usually like in the place where we live. Means हम जिस जगह पर रह रहे हैं usually वहाँ का temperature कैसा होता है। Climate can be measured quantitatively by calculating the long term average of different factors such as temperature and rainfall. मतलब overall rainfall कितनी होती है इस एरिया में। सपोज दैट हम लोग जेहलम में रहते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल का क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कितनी ज़्यादा होती है नॉर्मली ईयर में, कितनी ईयरली कितनी होती है, और डिफरेंट इसमें जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर यहाँ का कैसा होता है, वेरी हॉट होता है और विंडी नहीं होता, मोस्टली यहाँ पे हब्स होता है। और डेली लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय बोथ वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, ऑल डिपेंड ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दैट वी लिव इन। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है और जैसी क्लाइमेट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने ड्रेसेस यूज़ करते हैं। गर्मियों में हम सिंपल और लाइट ड्रेसेस यूज़ करते हैं और गर्मियों सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा वूली टाइप हम लोग स्टफ़ यूज़ करते हैं। एंड द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन ऑन द अर्थ इज़ डिटरमाइंड बाई टू बेसिक फैक्टर दैट इज़ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मतलब क्लाइमेट को हम कैसे जज करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और रेनफॉल कितनी होती है। दे आर इन टर्न इन्फ्लुएंस बाय सेवरल अदर फैक्टर्स। लेट्स लर्न अबाउट द फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर। फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर, यस, लैटिट्यूड, एलिवेशन एंड ओशन करंट्स आर द थ्री नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर ऑफ अ एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। द एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ लेट्स डिस्कस लैटिट्यूड,
इफ लेटिट्यूड इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लेस और नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, मीन्स इक्वेटर से आप जिस जगह का टेम्परेचर आप लोग मेजर कर रहे हो या जिस जगह का क्लाइमेट आप देख रहे हो, तो वो लेटिट्यूड उससे कितना दूर है नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर से. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. द एरिया क्लोज टू द इक्वेटर और ज़ीरो डिग्री लेटिट्यूड रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन रेज. ठीक है, जो एरिया इक्वेटर, ये जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द इक्वेटर, और इस लाइन के करीब, इस लाइन पर जो भी एरियाज़ हैं वो डायरेक्टली सन को जो है फेस कर रहे होते हैं और वेरी हॉट होते हैं ये. देयरफॉर दीज एरियाज़ हैव अ वार्म क्लाइमेट. ऑन द अदर हैंड द एरियाज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. अब जो दूसरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ एरियाज़ हैं वो कम हीट जो है सन से रिसीव कर रहे हैं, दस दे आर कूलर दैन द इक्वेटोरियल रीजन. सेंटर से कंपेरेटिवली दूसरे जो साइड वाले एरियाज़ हैं, दीज आर कूलर. बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर सिचुएटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर. जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल हैं वो इक्वेटर से दूर हैं, एंड देयरफॉर पोलर रीजन हैव कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है, पोलर रीजन की कोल्ड क्लाइमेट होती है फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से दूर होते हैं. द सन्स रेज आर नॉट एज डायरेक्ट, सो क्लाइमेट्स आर कूलर इन लैटिट्यूड फार्दर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. जो नॉर्थ और साउथ और इक्वेटर है वो कूलर होता है. एंड देन एलिवेशन. नाउ व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द लेवल ऑफ द सी. मीन्स एलिवेशन क्या है? सी से कितनी हाइट पर जो प्लेस है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. एज एलिवेशन इंक्रीजेज एयर बिकम लेस डेंस. जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज होगी तो एयर जो है वो लेस डेंस हो जाएगी, हल्की हो जाएगी. एंड लेस डेंस एयर मीन इट कंटेन फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल. उसमें बहुत कम गैस मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दे आर स्प्रेड फार्दर अपार्ट, और वो भी स्प्रेड हुए भी होंगे. लेस डेंस एयर कैन नॉट होल्ड एज मच हीट एज कंटेन्ड बाय डेंसर एयर. जो डेंसर एयर होती है उसमें ज़्यादा हीट वो कंटेन होती है, बट जो लेस डेंस एयर होती है जो ऊपर की साइड होती है वहाँ पे कम होती है. सो एज द एलिवेशन इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस. अब आप कभी अगर आप लोग मरी गए हों मरी वाली साइड पे, तो वो इतना 10,000 किलोमीटर ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे एयर जो है लेस डेंस होती है. सो लेस डेंस इस वजह से वहाँ पे हर वक्त ठंड होती है, बारिश होती है, स्नो होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो एलिवेशन ज़्यादा है उसकी यहाँ से ऊपर की साइड पे है. जब भी आप लोग जाएंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ तो आप देखिएगा, बहुत ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ता है. ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे कोल्डर एनवायरनमेंट होता है. द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज़ वेरी मच लोअर दैन द टेम्परेचर एट सी लेवल. नाउ नेक्स्ट वन इज ओशन करंट. द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ वाटर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एयर अबव इट. जो सर्फेस होती है वाटर की वो टेम्परेचर को अफेक्ट करती है. एंड देयर इज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट्स इन द ओशंस. तो उसमें करंट फ्लो होता है. सम ओशन करंट आर वार्म वाइल सम आर कोल्ड. कुछ ओशन करंट कोल्ड होते हैं और कुछ वार्म होते हैं. वार्म वाटर करंट मेक्स इट्स सराउंडिंग एयर हॉट. जो वार्म एयर करंट होता है वो सराउंडिंग की एयर को हॉट कर देता है. एंड कोल्ड वाटर करंट मेक्स इट सराउंडिंग कोल्ड. देयरफॉर द पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ क्लोज टू द वार्म वाटर करंट हैज़ वार्म क्लाइमेट. वो पार्ट जो कि वार्म वाटर के पास होता है उसका उसमें वार्म करंट होता है. On the other hand, the land areas near cold water currents have cold climate. ठीक है, कोल्ड वाटर के पास कोल्ड क्लाइमेट होगा. ओशन करंट्स ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर वार्म वाटर करंट्स, एंड दोज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द इक्वेटर आर कोल्ड वाटर. जो ओशन हॉट वाटर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो हॉट एयर लेकर जाएंगे, और जो दूसरी साइड से ओशन की तरफ आ रहे होते हैं दैट आर कूलर. नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द rainfall. The two natural factors that affect rainfall of a place are wind and pressure of mountain ranges. The effects of these factors vary from place to place. Now first one is winds. Winds have a great influence on the climate of a region in their path, and different prevailing winds carry different amount of moisture. The amount of moisture affect the amount of rainfall in a place, and winds that blow from sea to land often bring rain to the coast and dry weather to inland areas. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा एयर होती है
और जो होती है मॉइस्चर वाली एयर होती है, और जो ओशन से चलती है ड्राई लैंड पे, तो वो क्या लेकर आती है? रेन लेकर आती है. दैन माउंटेन रेंजेस, आ माउंटेन रेंजेस एक्ट एज अ बैरियर टू विंड. जो माउंटेन रेंज होती है वो बैरियर होता है विंड के लिए. जाहिर है ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे तो वहाँ पे इजीली विंड नहीं फ्लो करेगी. इट कॉजेज एयर टू राइज टूवर्ड्स इट्स स्लोप. ठीक है, तो वो उसकी एयर कहाँ तक जाती है? उसके स्लोप तक जाती है. एज द एयर राइजेज अप, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडी हो जाती है. सो द मॉइस्चर इन द राइजिंग एयर फॉल्स ऑन द अर्थ सर्फेस. जो मॉइस्चर होता है वो अर्थ सर्फेस पर गिरता है एज प्रिसिपिटेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन लाइक रेन वगैरह. ठीक है, एंड देन एज अ रिजल्ट द विंड वॉर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन और द फेसिंग साइड फेसिंग टूवर्ड्स द मॉइस्ट विंड्स. तो वहाँ पे क्या होता है? मॉइस्ट विंड होती है. एंड देन द रीजन ऑन द विंड वॉर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन हैज़ अ वेट क्लाइमेट. वहाँ पे कैसी होती है क्लाइमेट? वहाँ की क्लाइमेट भी वेट होती है. एंड द रीजन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ डील ऑफ रेनफॉल, द रीजन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन हैज़ अ वेट क्लाइमेट. वहाँ की क्लाइमेट भी वेट होती है. इसके बाद जो है हम ये देखेंगे, द रीजन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन हैज़ अ वेट. ओके, ऑन द अदर हैंड द ice side of a moisture of the side facing away from the wind. जो कि leeward side है वो कहाँ होती है? वो out और other side of facing that wind जो है दूसरी side से उसे face करते हैं. receive a little rainfall, वहाँ पर कम rainfall होती है. by the time the moist wind reaches the top of the mountain, जो moist wind होती है top of the mountain पर जाती है. and it loses most of the moisture, और वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को लूज़ कर देती है. इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ लिटिल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, उसमें क्या होता है? बहुत कम रेनफॉल होती है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन. देन एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, यू नो दैट द प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर. हमने ये डिस्कस किया है कि जो प्लेसेस नियर इक्वेटर होती हैं आर वार्मर होती हैं. एंड देन प्लेसेस क्लोजर टू द पोल, क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लाइमेट का जो होता है एक प्रोफाउंड इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फीचर्स टू सूट अ न्यू और चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड अडेप्टेशन. मीन्स अगर एनिमल्स में इस टाइप के फीचर्स हैं कि वो वैसे क्लाइमेट में रह सकें जैसे उनके फीचर्स बनाए गए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन. अडेप्टेशन हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. उनको ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प देती हैं जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं. एनिमल लिविंग इन अ वेरी कोल्ड और वेरी हॉट क्लाइमेट शो स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं, कुछ बहुत हॉट में रहते हैं, तो उनके अडेप्टेटिव फीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो ऐसे क्लाइमेट्स में रहते हैं. लेट्स डिस्कस द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, दैट इज़ द पोलर रीजन दैट इज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल्स दैट इज़ वेरी हॉट क्लाइमेट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस पोलर रीजन. पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स एंड रिमेन कवर्ड विद स्नो. ठीक है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं और बहुत ठंडे होते हैं. एंड द क्लाइमेट इन द पोल इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर कैन बी वेरी लो एज -37°C फॉर 6 months इन अ ईयर. द सन डज नॉट सेट वाइल्ड फॉर द अदर 6 months. 6 माह तक वहाँ पर सूरज नहीं निकलता, और जब निकलता है तो 6 माह तक निकलता है. द सन डज नॉट राइज. वी विल डिस्कस द अडेप्टेटिव फीचर ऑफ टू एनिमल्स. पोलर बियर फाउंड इन द नॉर्थ एंड पोल एंड पेंगुइन फाउंड इन द साउथ पोल. देन अडेप्टेशन इन पोलर बियर. अब polar bear, you are looking the diagram of polar bear, look at the adaptive features of polar bear. Polar bear have wide and large paws that help them walk on snow. इनके देखिए अपने paws कितने large and heavy हैं, तो so that they can easily walk on snow. And paws also help them in swimming. इस तरह ये swimming भी कर सकते हैं.
नंबर टू, देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, इनकी स्किन के नीचे लेयर ऑफ फैट है. दिस एक्ट एज अ इंसुलेटर, ये किस तरह एक्ट करती है, लाइक इंसुलेटर मीन्स ना हीट बाहर आती है और ना अंदर जाती है. प्रिवेंटिंग हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ताकि वो हीट जो है इनके हीट लॉस ना हो बॉडी से. द बॉडी इज़ कवर्ड विद टू लेयर्स ऑफ थिक फर, टू लेयर ऑफ थिक फर से बॉडी कवर होती है. दैट कीप द बॉडी वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, ताकि इनकी बॉडी जो है वार्म रहे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में. फर इज़ वाइट एंड देयर फर इज़ वाइट सो दैट द एनिमल्स कैन नॉट बी ईजिली सीन इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड बाई द प्रीडेटर फ्रॉम डिस्टेंस. अब इनके जो फर्स हैं वो भी बहुत वाइट होते हैं, ताकि इनको जो इनका प्रीडेटर है, इनको जो भी इनका इनको हंट करने के लिए आए, तो वो इनको ईजिली ना आइडेंटिफाई कर सके. पोलर बियर्स कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स वाइल स्विमिंग, पोलर बियर्स को जो है नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल करीब होते हैं जब स्विमिंग करते हैं. एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स इनका जो नॉस्ट्रल्स है वो बहुत क्लोज होते हैं, जो नोज़ की साइड पे होते हैं. पोलर बियर जो नोज़ में होते हैं, सॉरी, पोलर बियर हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये इजीली स्मेल कर सकते हैं. एंड दिस एडेप्टेशन हेल्प देम लोकेट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब इनकी स्मेल अच्छी होती है तो ये अपने जो प्रे हैं उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड देन एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स, द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेंगुइन इज वाइट, यू आर लुकिंग द डायग्राम ऑफ पेंगुइन. This marks well with the white background of snow and helps the penguin protect themselves from their predator. Front side इनका white है और back side इनकी black है, so that ये easily predator से खुद को protect कर सकें. Being the bird, penguin have a feathery coat on their body. Also there is a layer of fat under this feathery coat, and both these layers help them keep their body warm. And the structure of their body is streamlined, and they have web feet like ducks. And these adaptive features help them in swimming. ठीक है, इनके जो wings like feather हैं इनसे ये easily swim भी कर सकते हैं. Then tropical rainforest forest. The tropical rainforests are located around the equator. The climate in a tropical rainforest is very hot and humid. This is because the sun's rays are more concentrated, okay, near the equator. These regions are characterized by number one, plenty of rainfall throughout the year, and number two, hot summer. The temperature may even be higher than 40 degrees centigrade. Then tropical rainforests are rich in variety of plants and animal life. The animal life is tropical rainforest includes frogs, monkeys, apes, gorillas, snakes, lizards, tropical birds, bears, tigers, elephants, leopards, and a variety of fish in the rivers. The plants life of a tropical rainforest includes different kinds of mosses, ferns, herbs, shrubs, and trees. As the number of animals living in a tropical rainforest is very large, animals tend to compete with each other for shelter and food. Means bahut zyada variety hoti hai animals ki bhi, plants ki bhi. Let's discuss the adaptive feature of some animals living in the tropical rainforest. Yes, red-eyed frogs have sticky pads in their feet to climb up trees on which they live. Jo red-eyed frogs hote hain unke sticky feet hote hain so that they can climb on trees. Number two, monkeys have a long tail that help them to hold tree branches. ठीक है, उनकी long tail होती है, easily वो hold कर सकते हैं tree branches की. Token birds have a large adaptation in tropical rainforest. That's we are discussing. And yes, token birds have a large long beak. This helps the bird reach the fruits on such branches where they can't sit. Okay, आप देखें, आप ये एक ब्रांच पे बैठा हुआ है टोकन बर्ड, और ये दूसरे ट्री ब्रांच से इजीली फ्रूट को कैच कर सकता है. मैनी लार्ज कार्निवोर्स एनिमल लाइक टाइगर एंड हायनास हैव गुड सेंस ऑफ हियरिंग, शार्प आई साइट ऑफ लोकेट टू लोकेट देयर प्रेज. एंड द एलिफेंट हैव अ बिग ट्रंक विच इज़ यूज फॉर पिकिंग अप द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. Okay, and their tusks are modified teeth which can tear the branches of trees and which they eat. They can hear even very feeble sound because of the large ears. ठीक है, बड़े बड़े इनके ears हैं और easily ये hear कर सकते हैं. Desert, you know the
Yes. You know that desert is a hot, dry area of land with very few plants and animals living in a desert adapt themselves to scarcity of water as there is a little rainfall every year. And let's discuss the adaptive features of desert animal, that is camel. Yes, adaptation in camel. Camel store water in their blood for future use. The hump of a camel stores fat, which is a source of food. ठीक है, हम्प में ये क्या स्टोर करते हैं, वाटर एंड फैट ऑलरेडी स्टोर्ड होती है. कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. एक वीक तक वो अपना वाटर स्टोर कर सकता है और अगर एक वीक तक उसे पानी ना मिले तो भी वो जिंदा रह सकता है बिकॉज ऑफ डेजर्ट. ये डेजर्ट में रहता है एंड इट इज इट्स मेन एडेप्टेटिव फीचर. इट कैन ऑल्सो सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ विदाउट फूड. ठीक है, विदाउट फूड भी वो ईजीली रह सकता है बिकॉज इट हैज़ स्टोर्ड मच फैट इन इट्स हम्प. स्वेट ग्लैंड्स आर लेस इन अ कैमल्स बॉडी टू प्रिवेंट वाटर लॉस. स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं है, स्वेटिंग नहीं होती क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा. ठीक है, नंबर थ्री, कैमल एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व बॉडी वाटर. कंसनट्रेटेड यूरिन ही पास होता है, ज़्यादा नहीं. नंबर फोर, कैमल हैव वाइड फीट विथ थिक सोल्स विच हेल्प देम टू वॉक इफेक्टिवली ऑन सैंड. ठीक है, फीट जो हैं वो भी वाइड हैं, थिक सोल्स हैं ताकि वो इजीली सैंड पे वॉक कर सके. आईलिड ऑफ कैमल आर ट्रांसपेरेंट एंड कवर द आईलिड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सैंड स्टॉर्म. ट्रांसपेरेंट है और वो इजीली आंखें बंद करके भी उसे नज़र आ सकता है डेजर्ट में से. ठीक है, ताकि उसकी आईज में सैंड ना जा सके. अनलाइक मोस्ट मैमल, अ कैमल कैन विदस्टैंड बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द डे फ्रॉम 34 degrees centigrade टू अबव 42 degrees centigrade. मीन वो इतनी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर. थैंक यू.